फिनिश हो चुके हैं और अब मैं तैयार हूँ। आज तो आज हम लोग जा रहे हैं मार्केट, और मैं आपको बता दूँ कि कल मैंने कल का व्लॉग क्यों नहीं बना पाया। कल का व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरा जो छोटा बेटा है अंश, उसने क्या किया, मेरा मोबाइल वो एक्चुअली यूज़ कर रहा था और मैं कुछ काम कर रही थी, उसने क्या किया मेरा मोबाइल ले जा करके पानी में डाल दिया। तो उस चक्कर में मैंने उसको ड्रायर से काफ़ी सुखाया और पूरा दिन उसको यूज़ नहीं किया। शाम को फिर से उसको ड्रायर किया, फिर मैंने उसको ऑन करने की कोशिश की एंड लकीली वो ऑन हो गया। फिर जो मैंने न्यू ईयर का जो ब्लॉग ऑलरेडी बनाया हुआ था उसको एडिट किया, फिर उसको अपलोड किया, और इसीलिए पूरा वो मैंने एक्चुअली शाम टाइम ही किया था, रात में तो पूरा दिन कुछ शूट नहीं हो पाया। अगर मैं पूरा दिन हमारा ऐसे निकल गया उस चक्कर में हमने कोई भी ब्लॉग शूट कर ही नहीं पाया। और बट लकली मेरा फ़ोन अब बिल्कुल ठीक है, उसके स्पीकर में कुछ इशू आ गया था लेकिन अभी वो भी अपने आप ठीक हो गया, यूज़ करते करते अपने आप ठीक है, अभी वो काम कर रहा है अच्छे से। और आज भी अभी शायद 3 बज रहा है और अब मेरा ब्लॉग शुरू हुआ है, मैं रेडी हूँ, बच्चे रेडी हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। अंश मेरा रेडी है, अर्जुन इज रेडी, पापा इज गेटिंग रेडी, मतलब रेडी हैं हम लोग। अंश उसको छोड़ दो बेटा, उसको छोड़ दो, उसको वैसे आज यहाँ पर 2 दिनों के बाद अच्छी धूप तो नहीं है लेकिन फिर भी धूप है तो अच्छा लग रहा है, फील गुड हो रहा है। मतलब कल मतलब साल का पहला दिन था एंड मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब धूप के दर्शन क्या, मतलब पूरे दिन फॉग जैसा मौसम था, पूरे दिन धुंध छाई थी और बड़ा अच्छा नहीं लग रहा था देखने में, ना हम लोग कमरे से अपने बाहर निकले, ऐसा दिन था। चलो जब हम निकल रहे हैं मार्केट, थोड़ा शॉपिंग करनी है, फिर आके आपसे मिलते हैं। हम आ चुके हैं मार्केट में, मुझे ऐसे नाइट सूट्स लेने थे लेकिन यहाँ पर सिर्फ बच्चों के हैं, मतलब पूरा सेट है, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखती हूँ दोनों के साइज़ का मिल गया तो मैं ले लूँगी, ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है। आज नहीं बाबू, तो अर्जुन के लिए जैकेट देखने के ग्लव्स हैं। वी आर बैक, और मेरा जो बेटू है वो रास्ते में ही सो गया है ऑन द वे, क्योंकि आज उसके सोने के टाइम पर हम लोग बाहर चले गए थे, तो ही इज़ वेरी टायर्ड। और अभी बज रहा है, पता नहीं कितना बज रहा है, तो जी हम बहुत थक गए हैं। पहले हम लोगों ने सोचा था कि बाहर चाय पी करके आएंगे लेकिन अंश चूँकि सोने वाला ही था, मतलब फील हो रहा था कि वो सो रहा है, तो इस चक्कर में हम लोग रुके नहीं क्योंकि सामान बहुत था हमारे पास, थोड़ा ग्रोसरी का सामान भी था और थोड़ा बच्चों के कपड़े, हस्बैंड के कपड़े, कुछ मतलब वुलन सामान लिया हुआ था हम लोगों ने, तो सामान हमारे पास ज़्यादा था और अंश भी सो रहा था इसलिए हम लोगों ने घर आना बेहतर समझा और मेरा बेटा सो भी गया है। तो गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह हो चुकी है, मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, मेरे बच्चे उठ चुके हैं, अंश से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुल्लू, अरे आहा। तो दोस्तों मेरा हो रहा है नाश्ता और मेरे बच्चे भी कर रहे हैं नाश्ता, अर्जुन का कल से टेस्ट है लेकिन उनको कुछ नहीं पढ़ाई करनी है, तो आई एम हैविंग माई नाश्ता, दिस इज माई नाश्ता। अंश खा रहा है बाबू। तो दोस्तों शाम का हो चुका है वक्त और आज मैं खुद सो गई थी इसीलिए मैंने आज कुछ नहीं किया है, यू कैन सी ऑन माई फेस, मैं सो रही थी और अभी मेरी ये चाय रेडी है, मतलब हस्बैंड घर आ चुके हैं और मतलब मैं, मेरे दोनों बच्चे सब लोग पूरी दोपहर आज सिर्फ सोए हैं और कुछ नहीं किया है, और अभी उठे हैं सबके साथ थोड़ी देर पहले। खुशी को देखो छोटू, मेरा खरगोश, ये छोटू खरगोश, ये बड़ू खरगोश मोबाइल में बिजी है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, अर्जुन सिंह बिजी सिर्फ मोबाइल में। बच्चों का दूध ज़्यादा गर्म हो गया, दूध ठंडा हो रहा है, थोड़ी देर में करूँगी। अभी कल से ना अर्जुन के स्कूल रीओपन होने वाले थे, मतलब एग्ज़ाम थे इनके, और आज नोटिस आया है कि
कि जो है ज़्यादा ठंड के चलते और कोरोना केसेस बढ़ने के चलते जो है इसे फर्दर कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। लेट्स सी कि अभी आगे फर्दर क्या अपडेट आता है। बट अर्जुन बड़े खुश हैं कि अब कल स्कूल नहीं जा रहा है। नो चाय है चुना नहीं तो अब होने जा रही है मेरे डिनर की तैयारी। और आज डिनर में बनेगा इडली और मसाला डोसा। वैसे तो ये मेरे सुबेरे ब्रेकफास्ट की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन अर्जुन ने जैसे ही सुना तो वो पीछे पड़ गया कि नहीं भाई अभी बनाओ मम्मी। तो हस्बैंड ने बोला कि फिर मसाला डोसा बनाओ, और अर्जुन ने कहा मुझे इडली खानी है। तो मैंने सब कुछ प्रिपेयर करके रख लिया है, मतलब जो भी चॉपिंग एंड ऑल। और यहाँ मेरी चटनी होने जा रही है रेडी, जो कि मैं मूंगफली की चटनी बनाती हूँ। उसमें लहसुन और अदरक और हरी मिर्च डाल के बनाती हूँ। ये बन रहा है मेरा तड़का। वैसे तो उसमें मैं कड़ी पत्ता भी डालती हूँ, लेकिन अभी रात का समय है और मैं पेड़ को छूती नहीं, मतलब किसी पौधे को मैं हाथ नहीं लगाती। और पहले इसको प्लान नहीं था, वरना मैं दिन में इसको तोड़ के रख लेती। तो अभी मैं इसमें सिर्फ राई का तड़का लगाऊंगी। मेरी आलू बॉयल हो चुके हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा इसको जो है फोड़ लेती हूँ, पर इसको बिल्कुल मतलब भरता नहीं बनाना है इसका, थोड़ा खड़ा रहे। मुझे पता था इनका ये ड्रामा होता है, जब इनको कुछ पढ़ने लिखने के लिए दो तो इनको सिर्फ कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। अभी तो ये मसाले डोसे की मेरी स्टफिंग रेडी हो रही है, जिसमें मैंने राई का तड़का लगाया है और कड़ी पत्ता नहीं है तो मैंने उसे स्किप कर दिया है। इसमें डाल दिया मैंने अनियन, और अनियन के ऊपर डालूंगी मैं जो भी मैंने टमाटर और क्या कहते हैं उसको, हाँ अदरक, टमाटर और अदरक और हरी मिर्च जो मैंने कट करके रखी है अभी मैं उसको डालूंगी। लेकिन मैं प्याज को ज़्यादा पकाऊंगी नहीं, उसको मतलब हाफ फ्राइड ही रखूंगी। और ज़्यादा कुछ भी मैं गलाऊंगी नहीं कि बिल्कुल एकदम गला के मैश करना है, वो मैं नहीं रखूंगी। थोड़ा सा मैं कढ़ाई रखती हूँ, उसको मुझे अच्छा लगता है। और ये बस हल्का सा पकाऊंगी, एंड देन आई विल ऐड सम मसालास लाइक हल्दी एंड लाल मिर्च पाउडर। एंड बस उसको सो एक बार चला करके फिर मैं उसमें डाल दूंगी जो भी मैंने आलू थोड़े हल्के से मैश करके रखे थे। बस उसके ऊपर से नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। बस अब इसको अच्छे से बस फ्राई करना है। और अगर आपके पास हरा धनिया है तो वो भी आप ऊपर से डाल सकते हो, अच्छा लगता है। बट मैं हर चीज़ में हरा धनिया नहीं डालती, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट होता है जो मुझे हर चीज़ में अच्छा नहीं लगता। तो मेरा आलू की स्टफिंग इज रेडी। मैं जो सांचे हैं इनको फिल करूँगी, जो इडली मेकर बोलते हैं उसको, क्या जो भी है मतलब इडली बनाने का जो बर्तन है, उस पता नहीं क्यों गले में खराश जैसी लग रही है। वन बाय वन मैं इसको फिल करूँगी। तो ये मैंने इसका पूरा इसको फिल कर दिया है, और मेरा ये पानी यहाँ पे गर्म हो रहा है क्योंकि ये मेरा 5 लीटर का कुकर है और उसके अंदर ये आ जाता है इजीली। तो मैं इसको बस बंद करके इसको थोड़ा सा धीमा कर देती हूँ गैस, वरना मेरा हाथ जल जाएगा इसको रखते वक्त। अब मैं इसको आराम से इसके अंदर, ये 5 लीटर का कुकर है उस हिसाब से 4 प्लेट का जो इडली वाला स्टैंड होता है वो आप मतलब, अगर ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर जो है पूरा इडली मेकर ही खरीदें, अब इफ़ यू हैव 5 लीटर कुकर देन दैट विल बी वो सफिशेंट है आपके लिए। अभी इसको 10 मिनट लगेगा, तब तक मैं देखती हूँ। ये मेरा आलू की स्टफिंग जो है मसाला डोसा के लिए इज ऑल्सो रेडी, मेरी चटनी भी रेडी है, टाइम देख लेती हूँ। जो डोसे के ऊपर चटनी लगा करके मसाला रखा जाता है ना, मैंने वो एक्चुअली कभी ट्राई नहीं किया है, तो अभी मैं नहीं करने जा रही हूँ। पर हाँ किसी दिन इसकी प्रॉपर रेसिपी देखूँगी एंड फिर मैं इसको एकदम ट्राई जरूर करूँगी, क्योंकि मैंने जब बाहर खाया तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। मैंने कुकर खोला है एंड माई इडलीज आर रेडी। तो अभी मैं इसको ढक करके रख देती हूँ, वरना ये ठंडी हो जाएंगे। मीनवाइल मैंने तवा चढ़ाया है, मैं डोसा बनाती हूँ। मैंने इसको पलट के भी सेक लिया है, अब मैं इसमें स्टफिंग लगाऊंगी एक तरफ
ज़्यादा नहीं लगानी है। मैंने इसमें थोड़े से चॉप्ड अनियन रखे थे, वो ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड को पसंद है तो इसलिए मैं ऊपर से डाल देती हूँ। क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो? ये मलिंगा वाली हेयर स्टाइल तुम्हारी, कलर और करा दे इसको, ब्लॉन्ड करा दे। बेटा बेटा जी इसको दिखाइए, बेबी इसको रख दो, बच्चे ये खराब हो जाएगा, आप सुन रहे हो? रखो अंदर रख के आप जाओ, रखो रखा बेबी, इसमें ब्लैंकेट रखेंगे ना, रखा रहे हो? ये अंदर से है कि बाहर से है? अंदर से, अंदर से। अर्जुन स्माइली बनाओ उस पे। यस। कौन सी स्माइली बन रही है? वाह वाह मेरे शेरू, ये तुमने तो सिंचैन का मुंह बना दिया है। और बनाओ, और बना दूसरा बनाओ। अच्छा ये अंदर से है विंडो के, मुझे लगा बाहर से है। ये भी पहुंच गए करने, ये स्माइली बन रही है। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दिन तुझे जाने चुना मत हो ना रे, मैंने तुझे बड़ा देर से जाना, हुआ कसूर खपा मत हो ना रे। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, ले भैया कितने लगा रहे हो सर में? ए ये क्या, ये क्या है गंदी बात, क्रिसमस शुरू कर दिया ना, चल। बहु बदमाश है भाई, बहु बदमाश है। तो दिमाग खराब हो गया है क्या? मम्मा को पूछू दे, मम्मा को पूछू। अरे 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 नहीं नहीं नहीं, लग जाएगी मम्मा को, लग रही है लग रही लग रही। आ बूम बूम, अरे ये कौन हो गया? चोर के घर में डकैती, बूम बूम, ये तो चोर के घर में डकैती हो गई भाई, ये कौन कर रहा है? ये मौसम है यहाँ का, फगी फगी मौसम। अंश कहाँ गया? वेर इज अंश? अंश वेर आर यू? अंश वेर आर यू? आप तो यहाँ। अंश मेरा क्या कर रहा है बेबी? अंश मेरा क्या कर रहा है? अले 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 अले, बेबी सोने जा रहा है क्या? सोने जा रहा है? नहीं तो क्या करने जा रहा है? बस छेड़ छिड़ गए, लड़का छिड़ गया, छिड़ गया। अब चलो पहले बिस्तर, सोने से पहले स्वेटर खोलना है ना, स्वेटर उतारो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है ढंग से पढ़ो। अर्जुन इज डंकी, क्या लिखा है, क्या लिख दिया मम्मा ने, है ना, मम्मा ने क्या लिख दिया? अर्जुन इज डंकी। अर्जुन इज डंकी।
तो हम मिलेंगे आपसे अब कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल। गुड नाइट, बाय बाय।